गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन कंपनी के जॉब्स के बारे में जो कि चार प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है। तो इन्हीं सभी जॉब्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी वो जॉब्स है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या यहाँ पर सैलरी रहने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो का पूरा देखिएगा स्टार्ट। तो गाइज हमें इसके बारे में जानने के लिए चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज चलिए हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज सबसे पहली कंपनी जॉब है आपको वी लुकराइज कंपनी की, जिसमें दो जॉब है आपका, जिसमें से पहली जॉब है आपका सर्च क्वालिटी रेटर का और सेकंड जॉब है आपका इसी कंपनी की म्यूजिक कंटेंट स्पेशलिस्ट का। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च क्वालिटी रेटर जॉब के बारे में। ये आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है। देखो यहाँ पे लिखा है रिमोट फ्रीलांस, यानी आप कहीं से भी इस काम को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस जॉब में क्या है कि अगर आपको हिंदी आता है तभी आप इस जॉब को कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हिंदी में दिया है, जो भी यहाँ पे जॉब के बारे में डिटेल दिया है सब यहाँ पे हिंदी में दिया है, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी आता है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इस जॉब में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट की क्वालिटी आपको चेक करना होगा और उसकी रेटिंग देना होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे सिंपली काम करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे दिया वी लोकलाइज को तलाश है ऐसे लोगों की जिन्हें हिंदी बोलना पढ़ना लिखना आता हो और जो सर्च क्वालिटी रेटर के तौर पे हमारे क्लाइंट से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सके, यानी जिनको हिंदी बोलना आता है लिखना आता है पढ़ना आता है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको रेटिंग ऐसे ही नहीं देना है, आपको कंटेंट जो मिलेगा उसको प्रॉपर समझना होगा, तब जाके उसकी क्वालिटी चेक करके आपको उसकी रेटिंग देना होगा। अभी को यहाँ पे आपको कंटेंट कई सारे मिलेंगे लेकिन आपको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको स्टार्टिंग कुछ लाइन पढ़ करके आपको आईडिया लगाना है कि हाँ ये कंटेंट की क्वालिटी सही है कि नहीं है, इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। अभी को यहाँ पे नीचे दिया है काम करने के घंटे, यहाँ पे दिया है कि एक सप्ताह में 10 घंटे से लेकर 25 घंटे तक आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल कर सकते हो, उसी टाइम में आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। अभी को यहाँ पे वेतन का रेट दिया यानी कि आपको कितना चार्ज मिलेगा यहाँ पे वर्क करते हो, तो यहाँ पे दिया टास्क के हिसाब से अलग अलग चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। जितना आप टास्क करोगे उतना ही आपको यहाँ पे चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे जरूरी शर्तें दिया है, मतलब क्या क्या स्किल आपके अंदर होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर। बाकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है आपको सिंपली, ठीक है। यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, आपको यहाँ पे अपना सीवी अटैच करना होगा, फिर यहाँ पे फुल नेम और यहाँ से ईमेल फोन नंबर कंपनी नेम, कंपनी का नाम यहाँ पे आपको डालना है अगर आप फ्रेशर हो तो इसको स्किप कर देना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिंक डालना है, अगर आपके पास लिंक है लिंक्डइन का या फिर ये सब जो मांगा है इसका लिंक है तो आप डाल सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंट्री पूछा है, लैंग्वेज पूछा है, मतलब जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा है उसको आपको प्रॉपर फिल कर लेना है और फिर यहाँ से नीचे जा करके सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट कर दोगे, ठीक है ना। फिर सबमिट करने के बाद ये लोग आपके फॉर्म को रिव्यू करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके ईमेल पे, ठीक है। ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सेकंड जॉब के बारे में जो कि आपका सेम कंपनी का है। ये जॉब है आपका म्यूजिक कंटेंट स्पेशलिस्ट का, ये भी आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आपको ये घर से ही करना है और यहाँ भी हिंदी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो लिरिक्स के बारे में दिया है, ट्रांसक्राइब लिरिक्स फॉर हाई प्रायोरिटी कंटेंट, यहाँ पे आपको एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करना है, मतलब एक तरह का टाइपिंग का वर्क करना है, ठीक है। नीचे आप देखो दिया वेरीफाई लिरिक्स एक्यूरेसी ऑन कंटेंट सोर्स फ्रॉम द पार्टनर इंश्योरिंग इट मीट्स द प्रोवाइड स्टैंडर्ड, यानी जो भी आपको लिरिक्स मिलेगा उसको आपको वेरीफाई करना होगा, उसकी एक्यूरेसी आपको सही करनी होगी, ठीक है। जो भी इसमें कुछ एरर होता है टेक्स्ट में उसको आपको सही करना होगा। फिर आपको यहाँ पे लिरिक्स वर्क करने के साथ साथ आपको यहाँ पे म्यूजिक क्यूरेशन का और आर्टिस्ट क्यूरेशन का आपको यहाँ पे वर्क करना होगा। अब देखो म्यूजिक क्यूरेशन के बारे में और आर्टिस्ट क्यूरेशन के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये चीज क्या होता है और कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में तो और अच्छी बात है। अब देखो नीचे यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन के बारे में, नॉलेजेबल इन आर्टिस्ट डिस्कोग्राफी, पैशनेट अबाउट म्यूजिक एंड मीडिया एंड वेल वर्स्ड इन पॉप कल्चर एंड म्यूजिक हिस्ट्री, यानी आपको आर्टिस्ट डिस्कोग्राफी में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ ही आपको पैशन होना चाहिए म्यूजिक और मीडिया। और बाकी यहाँ पे दिया है कि एक्सेलेंट रिसर्च स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, मस्ट बी करंट लोकेटेड इन इंडिया, आप इंडिया के हो तभी अप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि प्रोसीजर इन इंग्लिश इज मस्ट, यानी आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन यहाँ बोला है, बैचलर डिग्री एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द म्यूजिक मेटा डाटा कंटेंट मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ बोला तो है एक्सपीरियंस के बारे में, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात, और क्वालिफिकेशन यहाँ बोला है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई करोगे, सेम वैसे ही फॉर्म ओपन होगा जैसे पहले वाले जॉब में ओपन हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ भी सैलरी फिक्स नहीं है, आपके टास्क के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है, जितना आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जॉब के बारे में जो कि आपका है फोटो मैथ में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आता है तभी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, यहाँ भी आपको घर से काम करना है, अगर आपके पास फोन है तो आप सिंपली फोन से भी काम कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, हेल्प पीपल लर्न एंड अर्न मनी। अब देखो नीचे यहाँ पे दिया है बिकम ए मैथ एक्सपर्ट इन 3 इजी स्टेप,
तीन स्टेप में आप यहाँ पे मैथ के एक्सपर्ट बन सकते हो, मतलब यहाँ पे वर्क कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है कि आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगला है आपका क्वालिफाई टेक एड फ्यू टेस्ट, आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद से अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो टेस्ट को, तब आता है थर्ड स्टेप, यानी कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करके, यानी जो भी क्वेश्चन होगा मैथ्स का उसको सॉल्व करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे आप दिया हाउ डज इट वर्क, कैसे वर्क करता है। यू विल सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, यू विल रिव्यू मैथ्स सॉल्यूशन, कंपनसेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम यू सॉल्व एंड रिव्यू, यू गेट पेड फॉर बोथ। यहाँ पे आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो, एक तो ये हो गया कि आप मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और दूसरा मैथ्स के सॉल्यूशन का आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ पे इतना ही चार्ज मिलेगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिव्यू करोगे, उतना ही आपको यहाँ से अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दिया है, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे दिया है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड जॉब के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप 12th पास भी हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर भी हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट जॉब के बारे में, जो कि आपका है बैंक ऑफ अमेरिका कंपनी की। अब देखो जो बैंक ऑफ अमेरिका कंपनी की जॉब है, ये आपका टीम मेंबर का, ठीक है। अब देखो लोकेशन यहाँ पे गुड़गांव है, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अगर आप गुड़गांव के हो तो ही आप इसको अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है क्या क्या वर्क करना होगा इस जॉब में, क्या क्या वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे देखो नीचे दिया है, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे दिया है, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट इन टाइमली मैनर बाय प्रोसेसिंग क्लेम्स एंड चार्जबैक। यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइमली जो है कस्टमर को रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। वर्किंग ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, वर्किंग ऑन डिसीज्ड कस्टमर अकाउंट, रिव्यू पोटेंशियल फ्रॉड अलर्ट विच इज आउट सॉर्ट बाय द फ्रॉड फिल्टर टू प्रोटेक्ट आवर कस्टमर फ्रॉम फ्रॉड। और आपको यहाँ पे कस्टमर को फ्रॉड होने से बचाना होगा, ठीक है। यह आपको यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कस्टमर को सपोर्ट करना है। बाकी जो भी यहाँ पे वर्क करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। और एजुकेशन यहाँ बोला है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है 0 to 2 years एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए यहाँ बोला है कि एबल टू वर्क वेल अंडर प्रेशर, एबल टू मल्टीटास्क एंड अडॉप्ट टू चेंज। अब देखो यहाँ बोला है कि अगर आप अंडर प्रेशर भी वर्क कर सकते हो तो ही इसको अप्लाई करना, और आपके अंदर मल्टीटास्किंग की स्किल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे दिया प्रोफिशिएंट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आगे दिया स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, डिटेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे दिया वर्क टाइमिंग के बारे में, 24/7 रोटेशनल शिफ्ट रहेगा और वीकली ऑफ आपको यहाँ पे रहेगा। जॉब लोकेशन यहाँ पे दिया है गुड़गांव, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो अगर आप गुड़गांव से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्री वाला पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया स्टार्ट योर एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूम, अप्लाई मैनुअली, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अप्लाई मैनुअली पे, इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, और फिर अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ से अप्लाई कर लोगे, ठीक है। ऐसे आपको करना है, राइट। तो ऐसे इस जॉब में अप्लाई करना है, अप्लाई करना हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस मुझे यही सभी जॉब्स के बारे में आपको बताना था, जिसमें से तीन आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब्स था और एक आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस था। अगर आप गुड़गांव से हो तो आप लास्ट वाले जॉब को अप्लाई कर सकते हो। बाकी सभी आपका जॉब फ्रेशर के लिए था, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इन सभी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो बस मुझे यही आपको बताना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो साथ। तब तक के लिए